आज हम बात करेंगे एटोमी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वाकई में दोस्तों, एटोमी कंपनी का रजिस्ट्रेशन का काम जो है 2 से 2.5 साल तक इंडिया में चल रहा है और बहुत जल्द कंपनी लॉन्च होने वाली है। बहुत सारे लीडर्स जो हैं इसमें लगे हुए हैं, मीटिंग सेमिनार वगैरह कर रहे हैं और अच्छा टीम बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये सिस्टम में क्या हासिल करने वाले हैं। एटोमी कंपनी जो है इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी चालू नहीं हुआ है फिर भी क्यों कर रही है, तो आइए आपको वेबसाइट के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र में जाना है इंटरनेट चलाने के लिए, तो मैं क्रोम ब्राउज़र यूज करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में आपको बताऊँगा, यहाँ पर आपको गूगल में टाइप करना है MCA। MCA को आपको सर्च करना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। यहाँ पर आप कोई सा भी कंपनी के बारे में लीगल्स चेक कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारा प्लान्स चल रहे हैं और बहुत सारे कंपनी हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ से उनको मिलता है। तो यहाँ पर आपको मैं चेक करके बताऊँगा कि एटोमी कंपनी जो है अपना कैपिटल्स MCA में कितना जमा किया है और दूसरा कंपनी कितना जमा किया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो लोग इस सिस्टम को ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बहुत पछताएंगे वाकई में। और जो हमारे सीनियर्स लोग और आप लोग इस टीम में जुड़ के काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, उसका फल जो है आपको मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी अप्रैल मई जून ये 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने में से कोई सा माह में कंपनी लॉन्च करने वाली है। अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अपने टीम को बिल्डअप कीजिए, मीटिंग सेमिनार वगैरह कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। MCA में आपको सर्च करके बताता हूँ मैं कि एटोमी कंपनी जो है कितना अपना कैपिटल जमा किया है और दूसरा कंपनी को भी आप तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट में आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं कंपनी का वेबसाइट ओपन हो चुका है। लेफ्ट साइड में 3 डॉट का जो बटन है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है MCA सर्विस, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप MCA सर्विस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है मास्टर डाटा का ऑप्शन आएगा। मास्टर डाटा को आपको क्लिक करना है। मास्टर डाटा के नीचे में यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्यू कंपनी आर LLP मास्टर डाटा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी / LLP नेम में यहाँ पर आप बॉक्स है देख सकते हैं। राइट साइड में जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर सिंबल है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कंपनी /LLP नेम में आपको लिखना है एटोमी इंटरप्राइज। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो देख सकते हैं एटोमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर आ गया, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो एक कैप्चा का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको कैप्चा को फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटोमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी का एथोराइज कैपिटल्स जो है 10.5 करोड़ रुपए, पूरे के पूरे 10.5 करोड़ रुपए कंपनी जो है MCA में जमा कर चुका है। आप चाहें तो दूसरा कंपनी को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर MCA में जा करके। कोई कंपनी का नाम बताना नहीं चाहूँगा मैं, 1 से 1.5 करोड़ रुपए जमा किया है, कोई 3 करोड़ जमा किया है, लेकिन आज तक कोई ऐसा कंपनी आप नहीं देखे होंगे जो कंपनी चालू नहीं हुआ है अभी तक और 10.5 करोड़ रुपए जो है कैपिटल्स जमा किया है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, हम कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं और आने वाला समय में क्या इस सिस्टम में अचीवमेंट करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीम बिल्डअप कीजिए, क्योंकि कंपनी अब बहुत जल्द जो है इंडिया में लॉन्च होने वाले है और आप और हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी इतिहास रचने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने टीम में शेयर ज़रूर कीजिएगा और उन नेटवर्कर भाई लोग को बताइएगा कि एटोमी कंपनी क्या है, जो अभी दूसरा सिस्टम में लगे हुए हैं और इस कंपनी को अनदेखा कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हम एटोमी कंपनी में मीटिंग सेमिनार और टीम बिल्डअप जो है फ्री में क्यों कर रहे हैं। टीम बिल्डअप्स और जो है आज 1.5 साल से हम समय क्यों दे रहे हैं,
इसका मतलब वो लोग समझते हैं कि कंपनी इंडिया में नहीं आएगा। जब इंडिया में कंपनी नहीं आता दोस्तों, तो आज इतना खर्चा कंपनी नहीं करता। आप सोच सकते हैं 2.5 से 3 साल तक आज जो है हम फ्री में इसका वेबसाइट यूज करते हैं। और आप सोच सकते हैं दिल्ली में हेड ऑफिस का ओपनिंग हो चुका है 4 नवंबर 2019 को, और कंपनी जो है ऑफिस का चार्ज मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपया तो देता होगा पर मंथ। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, कंपनी अभी से इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कंपनी को सबसे ज़्यादा हड़बड़ी है कि वो कंपनी कब चालू करेगा। बाकी हमको जो है सावधान हो जाना है और अपना टीम्स को ध्यान देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर से नया अपडेट दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।